तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट मतलब होने वाला है जूरिस्प्रूडेंस में, वो है आपका प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्व निर्णय। ऐसे जजमेंट्स जो पहले से ही डिसाइडेड हो चुके हैं, क्या उनके रेशियो रहे, ठीक है, क्या जजेस ने उस पर ऑर्बिटर डिक्टा का फॉर्म यूज किया या नहीं किया। ये जो रेशियो डेसिडेंडी और ऑर्बिटर डिक्टा जो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हैं या टेलीग्राम वाले ग्रुप में हैं, अभी मुझे बताओ कि इसका डायग्राम सभी को मिला कि नहीं मिला। मिल गया ना? अब इसको क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका ना एग्जाम के पर्पज से भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आपसे लेजिस्लेशन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, लेजिस्लेशन पूछा है ना, विधायन पूछा है ना, बताओ। अगर प्रीवियस ईयर में हमसे विधायन पूछ सकता है, तो इस बार क्या वो हमसे प्रेसिडेंट नहीं पूछ सकता, बताओ। प्रेसिडेंट हमसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है ना? क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। देखो इसको ना, आप जो स्टेट डेसिसिस है, इसको किस तरह से आपको रिगिडिटी मतलब इसके अंदर अप्लाई करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो लॉ के सोर्सेज के रूप में भी आपका ये काम आता है कि नहीं आता है, बताओ। आपने चाहे मुस्लिम लॉ के पढ़े हो सोर्सेज, चाहे हिंदू लॉ के सोर्सेज पढ़े हो, चाहे आपने लेजिस्लेशन के पढ़े हो, कहीं पे भी पढ़े हो, आपका ये जो पूर्व निर्णय का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आता है कि नहीं आता है। अब देखो ये क्या बोलते हैं कि ये जो आपकी लीगल जितनी भी व्यवस्थाएं है ना, उसके अंदर ये जो पूर्व निर्णय, ये अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और इनमें मतलब जैसे किस तरह से आपने लॉ के अंदर लॉ को फॉलो किया, उसके बाद जजमेंट दिया, ठीक है, क्या उसके ग्राउंड रहे, क्या उसके ग्राउंड नहीं रहे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो आपका लॉ जो है, जो आपके पूर्व निर्णय है, ये एविडेंस नहीं है। एविडेंस मात्र ना होके एक सोर्स के रूप में भी काम करता है, और जिसका अनुसरण करने के लिए कोर्ट जो है वो क्या होगा, बाउंड होगा, ठीक है। अब बाउंड कब होगा, तो इसके अंदर देखो, एक मैंने आपको ऑथोरिटिव एक कॉन्सेप्ट दिया है, ऊपर ऊपर दिख रहा है सभी को, आपकी जो डायग्राम खोल रखे है आपने व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर मैं इधर आपके साथ में भी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखो, ये प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये ऑथोरिटिव दिख रहा है सभी को, ऑथोरिटिव मतलब प्राधिकारिता, किस चीज की, ऐसा कोई जजमेंट जो किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, किसने दिया है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई जजमेंट दे रही है, तो वो सारे जो इंडियन टेरिटरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी जो भी जजमेंट्स हैं, वो उनके ऊपर जो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इस पे बाउंड होगा कि नहीं होगा। और जो हमारा सीओआई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिख रहा है, सीओआई ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपका एक आर्टिकल आता है 141, आर्टिकल 141, याद रख लेना इसको। 141 ने क्या बोला था, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मींस अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी लॉ जो कि क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, तो वो सारे कोर्ट्स पे बाउंड होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बताओ, क्लियर कि नहीं क्लियर। उसके बाद देखो, जब हम इनकी जजमेंट्स की बात करते हैं ना, इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो डेफिनेशन में जो सामंड है ना, उनकी डेफिनेशन अच्छी है। सामंड क्या बोलते हैं कि जो आपके जुडिशरी के अंदर जो न्यायिक है, उसके अंदर जो भी पूर्व निर्णय से अभिप्राय मतलब कोर्ट के द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय से है जिसके अंदर लॉ का कोई सिद्धांत होता है, जिसके अंदर लॉ का कोई प्रिंसिपल होता है, और पूर्ण निर्णय में निहित सिद्धांत जो उसे क्या प्रदान करता है,
ऑथोरिटिव प्राधिकारिता उसको एज ए अथॉरिटी प्रदान करता है जो क्या कहलाएगा उसका बताओ, जो अथॉरिटी प्रदान करेगा वो क्या कहलाएगा? उसके अंदर अथॉरिटी जब प्रोवाइड करवाई जा रही है तो वो उस निर्णय का आधार होगा कि नहीं होगा, रेशो डेसिडेंडी होगी कि नहीं होगी बताओ, क्योंकि उसके अंदर मान लो जजेस के सामने कोई भी अगर मामला आ गया सेम, उसके अंदर सारी चीजें सेम है तो वो उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा भाई? जब जहां पे सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, चाहे पार्टी अलग हो, लेकिन जब मामला सेम होता है तो कोर्ट क्या अलग अलग लॉज निकालेगा क्या? वो पहले से ही जो भी लॉज आए हुए हैं उनको देख के अपना जजमेंट देगा कि नहीं देगा? ठीक है, फिर क्या बोलता है, ग्रे के अकॉर्डिंग जो न्यायिक पूर्ण निर्णय से अभिप्राय, यानी कि जो आपके प्रेसिडेंट से इनसे अभिप्राय है कि उसके अंदर कही गई या की गई ऐसी प्रत्येक बात जो कि आपके फ्यूचर में जो आप कंडक्ट करोगे ना उसके लिए एक रूल पेश करेगी आपके सामने कि आप फ्यूचर के अंदर कौन सा जजमेंट देने वाले हो, तो उसके अंदर वो उसकी हेल्प भी करेगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये जो पूर्व निर्णय है ना, ये पूर्व निर्णय जो है मतलब प्रेसिडेंट जो है ये जजेस की बनाई हुई लॉ है, ठीक है? और ये बात कही थी बैंथम ने। अभी मुझे बताओ जब बैंथम का नाम आ रहा है तो इसके साथ में किसका नाम और आएगा? जब बैंथम की डेफिनेशन हमने याद कर ली कि बैंथम ने बोला कि ये जो पूर्व निर्णय है ये जज मेड लॉ है, जजेस न्यायाधीशों के द्वारा बनाई गई लॉ है, ठीक है? तो ऑस्टिन इसी बारे में क्या बोलते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि ये जुडिशरी लॉ है। अब मुझे बताओ चार डेफिनेशन याद हुई कि नहीं हुई? सबसे पहले क्या कि भाई ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, रेशो डेसिडेंडी के अंदर, ठीक है? इसके अंदर कोर्ट के द्वारा ऐसे जजमेंट दिए गए जो कि एक प्रिंसिपल के रूप में, एक एक प्रिंसिपल होता है इसके बीच में जो लॉ दिया जाएगा, पहली बात सामने ने कह दी, ठीक है? मतलब कि अगर मान लो फ्यूचर के अंदर अगर कोई कोर्ट्स के अंदर अगर ऐसे मामले आते हैं तो ऐसे जो इनके बराबर इक्वल मामले आते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर जो भी केसेस आते हैं तो उन केसेस के ऊपर क्या है, हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, सामने ने ये बोली। ग्रे ने क्या बोली कि जब आप फ्यूचर में कोई कंडक्ट करने वाले हो, पश्चातवर्ती जो आपका आचरण होने वाला है उसके लिए आपको रूल मिल रहा है, ठीक है? बैंथम ने बोला कि भाई ये जज मेड लॉ है, और ऑस्टिन ने क्या बोला, जुडिशरीज लॉ है। क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो मैं आपको भेज दूंगी, आप लिख लो। ग्रे की डेफिनेशन बहुत इजी है कि ग्रे क्या बोल, हाँ सुन लो, ग्रे क्या कहते हैं कि जो आपका जो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट है ना, न्यायपूर्ण निर्णय से अभिप्राय, उसके अंतर्गत कही गई या की गई ऐसी प्रत्येक बात जो कि पश्चातवर्ती आचरण के लिए क्या हो, एक रूल पेश करती हो आपके सामने। क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो अब इन्होंने क्या कर दिया, जो प्रेसिडेंट है ना इसको टू भागों में डिवाइड कर दिया। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ऑथेंटिव को तो हमने कर ही लिया था, ऑथोरिटिव के बारे में किसी को कुछ पूछना है? ये इसको हमने लिंक किसके साथ में किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 141 से। अब इसके अंदर एक सेकंड आता है पर्सुएसिव, यानी कि प्रेरक, जो ये सेकंड एलिमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया भाई, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और अब उस हाई कोर्ट के जजमेंट को क्या बाउंडेबल है क्या, वो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है? सबॉर्डिनेट कोर्ट तो मान सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है ना, वो जो जजमेंट है वो दूसरा हाई कोर्ट उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है, याद रखना, ठीक है? कोर्ट्स आर नॉट बाउंडेड टू फॉलो। क्लियर हो गया उसमें जो पॉइंट दे रखा है? अभी देखो ये क्या बोलता है कि ये जो आपके
पर्सुएसिव प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर ऐसे जजमेंट्स है जिन्हें मानने के लिए कोर्ट क्या है बाउंड नहीं होता है। ऐसे पूर्ण निर्णय को केवल ध्यान में रखते हुए उनका जो एप्रोप्रिएट, उनकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो प्रदान की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक हाई कोर्ट के जजमेंट को दूसरा हाई कोर्ट के द्वारा माना या ना माना, दैट इज डिपेंड ऑन हिज सू मोटो, उसके सव विवेक पे, यानी कि उसके सू मोटो पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अभी मुझे बताओ क्लियर कि नहीं क्लियर। अब आ जाओ सामंड वाली बात पे। जो सामंड थे उन्होंने भी तो इनको बता दिया ना कि एक तो इन्होंने बता दिया निरपेक्ष, ठीक है, और दूसरा बताइया सशर्त। तो निरपेक्ष के अंदर तो क्या होता है कि भाई ये कंपल्सरी क्या है, बाउंडेबल होंगे, ठीक है, उनको अनरीजनेबल होने पे कोर्ट के द्वारा आप अनएक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। लेकिन जो कंडीशनल होते हैं ना, कंडीशनल ऑथोरिटिव होता है उसके अंदर कोर्ट के द्वारा होता है, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं जिसके अंदर कोर्ट क्या है उनको मानने से डिनाई कर सकता है। क्लियर कि नहीं क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी जो सामंड थे ना, सामंड ने वहां पे जो ऑथोरिटिव जो हमने देखा, सामंड ने जो ये ऑथोरिटिव था ना, इस कॉन्सेप्ट को जो देखा, इसको भी टू भागों में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे सामंड ने जो प्रेसिडेंट है इसको भी यहाँ पे टू भागों में डिवाइड कर दिया, एक ओरिजिनल और एक डिक्लेरेटिव। अब देखो हमें ना एग्जाम्पल, मतलब इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, ओरिजिनल मतलब ऐसी चीज जो बिल्कुल ओरिजिनल है। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, याद है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक जजमेंट आया था, और बहुत बड़ा जजमेंट था आपके बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, याद है सभी को, बताओ याद है? हाँ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है ये आपका, पेज नंबर 1461, याद रखना। इसमें क्या हुआ था, ये एक ओरिजिनल प्रेसिडेंट था, ठीक है, इसके अंदर न्यू रूल्स डिसाइड हुए थे कि नहीं हुए थे बताओ, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका डिक्लेरिटी। अब किसी चीज को हम डिक्लेयर कब करवाएंगे, जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, बताओ भाई। भाई जो ऑलरेडी है उसके बारे में न्यू रूल्स बनेंगे क्या डिक्लेयर करवाने के लिए? अभी मान लो किसी प्रॉपर्टी के अंदर, एग्जांपल समझना, किसी प्रॉपर्टी के अंदर मेरा राइट है, तो ये तो राइट है ना, इसको मुझे कोर्ट से डिक्लेयर करवाना है, कोई नया रूल थोड़ी बन के आएगा इसके लिए, ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। कोई कस्टम है जो पुराने लंबे समय से चल रही आ रही है, उसको तो हमें सिर्फ डिक्लेयर करवाना है एज ए लो, करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। अब मुझे बताओ कि सामंड के ये दोनों ओरिजिनल और डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट जो है वो क्लियर हुए कि नहीं हुए? प्रेसिडेंट्स के जो दो दो इसके अंदर टाइप्स बताए थे वो क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेर डेजिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी इंग्लिश लॉ है ना, इसके अंदर ये एक वैलिड कॉन्सेप्ट है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो भी पूर्व निर्णय दिए जाएंगे या पूर्ण निर्णय की जो अथॉरिटी है वो ऑथोरिटिव एंड बाइंडिंग होते हैं, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेर डेजिस के अंदर। अनेक ऐसे जजमेंट्स भी होते हैं जिसके अंदर कोई लीगल क्वेश्चन को आप क्या है क्लियर रूप से बता देते हो, और इसका जब आप इसका अनुसरण करोगे तो उसे ना बदल सकने के सिद्धांत को ही, मतलब ऐसा कोई जजमेंट आ गया, ऐसा कोई प्रिंसिपल आ गया जिसे आपको चेंज ही नहीं करना है, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेर डेजिस में आ जाएगा, यानी कि जो आपका दृष्टानुसरण का सिद्धांत बोल सकते हो हिंदी वाले स्टूडेंट्स, निर्णीता अनुसरण का सिद्धांत भी बोल सकते हो और निर्णय अनुसरण का भी सिद्धांत बोल सकते हो। डैस ने क्या बोला, डैस ने बोला कि ये जो आपका स्टेट एजिज है ना, ये एक बाइंडिंग इफेक्ट रखता है, ठीक है, और इन्हें और बाद में जब जब इनको लागू किया जाता है ना, तो ये लॉ का क्या है, इनको एक फॉर्मेट प्रदान हो जाता है,
और इंग्लैंड के कोर्ट्स के द्वारा दिए जाने वाले जो भी जजमेंट्स होते हैं वो अगर इक्वल फैक्ट्स के वाले मामलों में क्या है, कोर्ट्स के ऊपर बाउंड होंगे। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई कोर्ट ने अगर कोई इक्वल फैक्ट्स के ऊपर कोई जजमेंट दिया है तो वो पूर्ण निर्णय है या नहीं है, पूर्ण निर्णय का काम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। ठीक है, फिर इन्होंने दो चीजें, इनको दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया स्टेट डेज इसको। इन्होंने बोला भाई एक तो तुम जो जजमेंट दे रहे हो ना उनका पब्लिकेशन करवाओ और रिपोर्टिंग करवाओ, क्योंकि जब वो अखबार में आएगी, न्यूज़पेपर में आएगी तो सारे लोग उसको जानेंगे कि नहीं जानेंगे, बताओ। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली, जो ये आपका निर्णय का अनुसरण करना है ना, अगर आपको ये जो स्टे डेजिस है अगर इसको आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, आप कोर्ट्स की हायरार्की देखोगे कि नहीं देखोगे, कोर्ट्स की हायरार्की तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को पता होगी ना कि नहीं पता है, है ना। तो कोर्ट्स की हायरार्की का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर मान लो हायरार्की नहीं होगी तो उसको फॉलो करने वाले कोर्ट्स की आप कल्पना कर सकते हो क्या कि भाई इस पूर्ण निर्णय को कोर्ट जो है वो अप्लाई करे, बताओ। क्योंकि मुझे एक बार बताओ, प्रेस जो प्रेसिडेंट जो दिए जाते हैं इनको फॉलो कौन करता है, हायर कोर्ट्स करती है या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स करती है, सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स है अधीनस्थ जो न्यायालय है वो आपके इसको फॉलो करते हैं। और ये देखो यहाँ पे ये बात भी आ गई 141 वाली जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने बोला जब इतनी सारी चीजें आ गई, ठीक है, तो अगर मान लो कहीं पे बाध्यता है, कहीं पे बाउंडिंग है, मान लो बाउंडिंग से बचने के लिए आप कब कब उस बाउंडिंग से बच सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एग्जांपल क्या क्या दिए कि मान लो किसी लॉ के द्वारा जो भी जजमेंट दिया गया था उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई जजमेंट था उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको बाइंड करवा सकते हो क्या, बाइंडिंग इफेक्ट है क्या आपके ऊपर उसका, बताओ, नहीं है ना। अभी मुझे ना, मैं क्योंकि आपको 7-8 पॉइंट बोलूंगी तो मुझे हाँ ना में जवाब देते रहना, इससे क्या है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कोई जजमेंट जो लोअर कोर्ट के जजमेंट के आधार पे ना दिया जाकर दूसरे बेस, मतलब जो उसके स्ट्रक्चर था, जो दूसरा उसका आधार था उस पर दे दिया, बाइंडिंग है क्या, ठीक है, जिसमें आपको लॉ की नॉलेज नहीं थी, लॉ के बारे में पता ही नहीं था, बाइंडिंग है क्या आपके ऊपर। जब आपका जो जजमेंट है वो पहले से दिए गए जजमेंट से इररिलेवेंट हो, बाइंडिंग है क्या। ऐसा कोई जजमेंट जिसमें आर्ग्यूमेंट ही ना हुई हो, सब साइलेंट हो रहते हुए दिया गया, बाइंडिंग है क्या। ठीक है, ऐसा कोई जजमेंट जिसके अंदर मिस्टेक हो, बाइंडिंग है क्या। ऐसा कोई जजमेंट जिसमें मिस्टेक रिपोर्टिंग के आधार पे दिया गया हो, बाइंडिंग है क्या। कराओगे क्वेश्चन। अब सुनो, रेशो डेसिडेंडी का जो ये कॉन्सेप्ट है, एक तो हमने पढ़ लिया, एक तो हम अभी पढ़ के आए स्टे डेसिस का, एक हम पढ़ेंगे अभी रेशो डेसिडेंडी। रेशो डेसिडेंडी का मतलब क्या कि जिनमें जजेस के द्वारा भविष्य में अपने समक्ष आने वाले समान मामलों में लागू किया जाता है, कि ऐसा कोई मामला जिसके अंदर, मतलब रेशो से समझो कि उस मामले का जो रेशो है उस मामले से मिलता है। एग्जाम्पल समझना कि ऐसा कोई मामला है जिसके अंदर सेम फैक्ट ऑफ एक्शंस है, सारी चीजें सेम है, तो उन मामलों मामला बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो ये। और कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के सामने अगर भविष्य में अगर ऐसा कोई मामला आता है तो कोर्ट वहां पे ये जो प्रेसिडेंट है आपका पूर्ण निर्णय है इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। ये जो आपके रेशो डेसिडेंडी के अंदर, जो ये आपका रेशो डेसिडेंडी है ना, ये आपके सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे बाउंडेबल होता है,
कोई भी कोर्ट इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो उसके लिए एग्री हो या ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो उसको हर एक कोर्ट मानने के लिए लायबल होगी। समझ आ गया? ठीक है, फिर हाँ जी, फिर देखो डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट आंध्र प्रदेश वर्सेस एमआर अप्पा राव एआईआर 2002 एससी 1598 का एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आपको रेशियो डेसिडेंडी है ना, ये एक बाइंडिंग इफेक्ट रखती है। ठीक है, बाइंडिंग इफेक्ट का मतलब कि ऐसा प्रिंसिपल जो कोर्ट के समक्ष जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है उसमें दिए गए जजमेंट को पढ़कर तलाशा जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है। रेशो डिसीजंस हैज बाइंडिंग फोर्स। रेशो मीन्स द प्रिंसिपल बाइंड आउट ऑफ द रीडिंग ऑफ जजमेंट इन लाइट ऑफ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, कि जिसके अंदर जो उसके सेम फैक्टर्स हैं, तो उन सेम फैक्टर्स में अगर वो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं तो वहां पे उसको क्या है, जजमेंट को आप पढ़ोगे और वहां से उसको फाइंड आउट करोगे कि ये जो मामला है ये अगर हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है तो वहां पे हम जो आपका पूर्ण निर्णय है उसको आप अप्लाई करवा सकते हो। सामर ने बोला कि जो आपका पूर्ण निर्णय है ना, वो उसके अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को क्या है, इन्होंने रेशो डेसिडेंडी मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये क्या अथॉरिटी की जो है पावर जो है वो उसको प्रदान करेगा। ठीक है, पैटर्न ने क्या बोला कि ये जो रेशो डेसिडेंडी है इसके द्वारा अपने जजमेंट के आधार के रूप में जो भी आपने प्रिंसिपल दिए हैं वो है। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? एक ऐसा जजमेंट है ये, एक ऐसा जुडिशियल प्रिंसिपल है जो यहां से निकल के आता है, जो कि एक प्रेसिडेंट को क्या बनाता है, ऑथोरिटिव बनवाता है। ठीक है, जो कि सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखता है और भविष्य में फ्यूचर में अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसको इक्वली रूप से क्या है, उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और कोर्ट को किसी भी मामले में भी पहुंचने पर भी वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रेसिडेंट है ना ये क्यों जरूरी है, बताओ क्यों जरूरी है ये? क्योंकि इसमें एक तक कोर्ट का टाइम बचता है, अगर सेम फैक्टर के ऊपर वही सारी चीजें प्रोसीजर दोबारा से होगा तो थोड़ा सा लगता है ना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन आ रहा है तो कोर्ट सुनेगा, दो चार हियरिंग में वहां पे क्या है, इसको एंड कर देगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब मुझे एक बार बताओ, मैंने आपको स्टेड एजिस का कॉन्सेप्ट करवाया, रेशो डेसिडेंडी करवा दिया, ठीक है, ओरिजिनल और डिक्लेरिटी आपको प्रेसिडेंट्स करवा दिए, ठीक है, कब ये बाइंडिंग इफेक्ट होगा कब नहीं होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट आपके कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इतना अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ना एक कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंदर, कई बार एग्जामिनर क्या होता है पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ना सिर्फ दोनों टर्म पूछ लेगा कि रेशो डेसिडेंडी और ऑर्बिटर डिक्टा को डिफाइन करो। अब ये जो ऑर्बिटर डिक्टा है ये है क्या, हर बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटर डिक्टा है क्या, तो जैसे कोर्ट कई बार टिप्पणी नहीं कर देता, अपनी कोई ऑब्जर्वेशन आपको बताते हैं कि इस मामले में आपको ऐसे कर लेना चाहिए था। अब मुझे एक बार बताओ, आप उस बात को मानने के लिए बाउंड हो क्या? ऑर्बिटर डिक्टा को मानने के लिए आपने बाउंड हो गया आपके मामले में? हालांकि आपके मामले से ही अगर मान लो कोर्ट कोई अदर टिप्पणी कर रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो आप उसको मानने के लिए बाउंड हो क्या? हाँ, ये ही ऑर्बिटर डिक्ट है। समझ आ गया? कोर्ट जो आपके बारे में ऑब्जर्वेशन कर रही है, वो रिमार्क दे रही है, वही क्या होगा, आपका ऑर्बिटर डिक्टा होगा। ऑर्बिटर डिक्टम इज अ मेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ रिमार्क मेड बाय द कोर्ट बाय वे टू एड while deciding the actual issue before it. It means, इन्होंने क्या बोला, ये जो इत्रोक्ति है ना, इत्रोक्ति या फिर प्रासंगिक विचार, इसको कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी बोल सकते हैं कि कोर्ट ने अगर कोई टिप्पणी की है तो उसको हम मानने के लिए जो है वो बाउंडेबल नहीं होंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? वृक्षा जी अभी क्लियर हो गया कि कोई अगर मान लो कोर्ट के द्वारा कोई टिप्पणी दी गई है तो उस टिप्पणी को हम मानने के लिए बाउंड नहीं है, यही आपका ऑर्बिटर डिक्ट है। फिर देखो
अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका रेशो डेसिडेंडी है और ये जो आपका ऑर्बिटर डिक्ट है, इट मीन्स निर्णय आधार और एक आपका इतरोक्ति, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सबसे पहला तो अंतर यही आ गया, जो आपके रेशो डेसिडेंडी है ये बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आंसर हाँ या ना में बताते जाओ, अभी फटाफट याद हो जाएंगे। ऑर्बिटर डिक्टा बाइंडिंग इफेक्ट रखता है कि नहीं रखता है? नहीं रखता है, ठीक है। रेशो डेसिडेंडी के अंदर आपका कोई प्रिंसिपल जो है वो आता है कि नहीं आता है निकल के? और जो आपका ऑर्बिटर डिक्टा है ये, इसके अंदर कोई प्रिंसिपल निकल के आता है क्या? प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का नहीं निकल के आता है ना? जो आपका ऑर्बिटर डिक्टा है वो किसी मामले में जजमेंट देने के लिए आवश्यक है कि नहीं है? और जो आपका ऑर्बिटर डिक्टा है वो जजमेंट के लिए जरूरी है क्या? जो आपका रेशो डेसिडेंडी है वो रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? और जो आपका ऑर्बिटर डिक्टा है वो जो भी आपके अनतात्विक फैक्ट्स जो होते हैं, जो अनअसेशिएबल होते हैं, उनके बारे में बात करता है, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना। अब इनके ये जो आपके प्रेसिडेंट है, अभी इतना यहां तक क्लियर हुआ सभी को? फिर ये जो आपका पूर्ण निर्णय है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या? देखो, जब इसके मेरिट्स की बात करते हैं ना, तो सीधी सी बात ये है कि जो आपके प्रेसिडेंट्स हैं, ये लॉ के अंदर एक सर्टेनिटी का प्रबल बनाता है, ठीक है? लॉ के जजमेंट्स के लिए ये जरूरी है, ठीक है? क्योंकि जब इक्वल, अगर कोई मान लो नेचर वाले जो केसेस हैं, तो उनके अंदर क्या है, हमें जजमेंट करना थोड़ा इसके लिए आसान हो जाता है, ठीक है? ये जजेस के जो न्याय निर्णय है उनके कार्यों को भी आसान बना देता है, ठीक है? और इसमें लचीलापन भी होता है समय और परिस्थितियों के साथ में। लॉ की एक, अगर मान लो लॉ को हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है, तो उसमें भी ये हमारे हेल्पफुल होंगे, ठीक है? पूर्ण निर्णय जो है, क्योंकि उनके ऊपर हम क्या है, ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ? कर सकते हैं ना, क्योंकि जजेस का जो भी, इसके अंदर जजेस जो भी जजमेंट देते हैं ना, उसके अंदर अपना पूरा एक्सपीरियंस निकाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बताओ? तभी तो केस इतने समय तक चलते हैं, है ना? अब इसके डिफेक्ट्स क्या, डिमेरिट्स क्या है? तो डिमेरिट्स की बात करूं तो पूर्ण निर्णय पे जो भी आधारित जो लॉ होती है वो इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि इनमें जजेस के द्वारा उन्हीं जो आधार होते हैं उन्हीं के ऊपर विचार किया जाता है। एक मिनट, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी आपने पूर्ण निर्णय दिए वो इनकम्प्लीट लॉ है। इनकम्प्लीट क्यों है, लॉ की अगर विजन से देखूं तो? देखो, अब इन्होंने बोला कि सेम फैक्ट है, तो अगर मान लो कोई हमने पिटीशन पढ़ी और उस पिटीशन में हमने पढ़ा और जजमेंट दे दिया, और अगर मान लो कुछ उसमें और कोई कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा होता, तो वो पूर्ण निर्णयों की वजह से बच जाता है कि नहीं बच जाता है? ठीक है। और फिर ये क्या है, पूर्ण निर्णय जो है ये आपके डेवलपमेंट जो मुकदमेबाजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट कोर्ट के समक्ष नहीं आता, तो उस पर आपके ये जो पूर्ण निर्णय है इसकी कमी रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है। कई बारी क्या होती है, गलत रिपोर्टिंग हो जाती है। हमने पढ़ा था ना, रिपोर्टिंग अगर मिस्टेकली हो जाती है, अगर कोई गलत रिपोर्टिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पे अन्याय होने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो आएंगी कि नहीं आएंगी? ठीक है। कई बार जजमेंट मनमाने भी हो सकते हैं, आर्बिट्रे भी हो सकते हैं, जैसे बीच में आजकल आ जाता है ना मध्यस्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्वेच्छाचारी अपने आप जाके कर लिया। कई बार जजमेंट जो है वो जल्दबाजी में भी हो सकते हैं, जिसमें लॉ क्या है आपकी पूरी तरीके से उसके अंदर परिपक्व जो है नहीं हो सकती। ठीक है। फिर पूर्ण निर्णय की जो प्रकृति होती है वो एक्स पोस्ट फैक्टो होने से नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक कार्योत्तर वर्ड आया है। हाँ जी, मुझे बताओ, कार्योत्तर एक वर्ड आया भाई यहाँ पे, एक्स पोस्ट फैक्टो। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आया था ये वर्ड, याद हो तो? मैं आपको मतलब हिंट दे देती हूँ, आपके फंडामेंटल राइट्स में।
याद आया कुछ? आर्टिकल 20 क्लोज 1। वेरी गुड। ठीक है, वहां पे था ना कि अगर उसमें क्या लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए अगर उसको कन्विक्ट नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो लॉ क्या है, लॉ का वॉयलेशन ही नहीं हुआ था, वो लॉ थी नहीं उस टाइम पे, तो उसको यहाँ पे जो कार्योत्तर विधियों से जो प्रोटेक्शन मिलती है वो यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो आपका पूर्ण निर्णय है ये एक्स पोस्ट फैक्टो होने के कारण क्या है, नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है। क्वेश्चन क्लियर कि नहीं क्लियर बताओ। फिर देखो इनकी इम्पोर्टेंस क्या, तो इम्पोर्टेंस तो देखो सीधी सी बात है कि अगर कोई लॉ का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो उसके अंदर ये जो आपके जजमेंट्स है ना ये अपना एक अलग ही रोल प्ले करते हैं। और ये जो पूर्ण निर्णय का जो कॉन्सेप्ट है ये आज से नहीं है, बहुत पुराने लंबे समय से चला आ रहे हैं, जब से लॉ स्टार्ट हुआ ना तब से चला आ रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी कॉमन लॉ है उसके अंदर जो लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम में तो जो आपके पूर्ण निर्णय है वो बाइंडिंग इफेक्ट जो उनका है वो बना ही रहा है, ऑलरेडी रहा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो भी जो इक्वल अगर उनकी नेचर है तो उसके अंदर भी सुबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनको वो मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, उनके न्याय निर्णय के कार्य को जो है अगर मान लो कोई किसी मामले में अगर कोई जजमेंट दिया जाना है सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा तो वहां पे भी उसको क्या है वो इजी बना देंगे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी आपकी ये लॉ की न्यूज़पेपर्स और ये पत्रिकाएं वगैरह आती है ना जर्नलिस्ट के द्वारा जो भी मतलब जजमेंट्स वगैरह दिए जाते, तो आपने कई बार देखा होगा ना कि कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए जाते तो इनकी एक पूरी बुक छप के आती है ना एडवोकेट्स के लिए, जो मतलब जो किसी एडवोकेट के पास में काम कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि पुराने जजमेंट्स की एक पूरी बुक आती है कि ये वाली बुक इस मामले के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगी कि नहीं रखेगी। क्वेश्चन क्लियर कि नहीं क्लियर है ना? इसको एक बार और सुन लेना, 2-3 बार सुनोगे ना ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो आपका प्रेसिडेंट का जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन वो चीजें सारी वही है। ठीक है, हमने जो अभी एक नोट्स वाला मैंने आपको दिखाया ना पेज, ये देखो ये जो पेज है ना इस पेज को भी अगर अच्छे से पढ़ के चले जाओगे ना तो इट मीन्स पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया एक दो मैटर अगर रह भी जाता है तो डजंट मैटर। ठीक है, तो एक बार आप इसको वीडियो को यूट्यूब पे अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी आपकी ये, तो आप इसको क्या है 2-3 बार 2x में जाके सुन लेना तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वायरी हो कि मैडम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूंगी और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ओके।